कहता इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर आर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड भी चलो एक इलेक्ट्रॉन है यूनिफॉर्म स्पीड भी से सर्कल में चल रहा है चलो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो है और वो यूनिफॉर्म स्पीड भी से सर्कल में चल रहा है जिसकी रेडियस आर है द मैग्नीच्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी पर जो है ओबियसली इलेक्ट्रॉन अपने आर्बिट में ये इस आर्बिट में रोटेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल है तो करेंट बनाएगा उस करेंट की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बी है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट बी और वी में रिलेशन निकालना है वैसे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करेंट बनाएगा आर्बिड में म्यू नॉट आई टू आर होता है टू आर होगा अब इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड को रेडियस को या हमें बी और वी से रिलेट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंट आई की जो वैल्यू आ जाएगी आई की जो वैल्यू आ जाएगी चार्ज फ्लोइंग करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है तो यहाँ पे चार्ज चार्ज इलेक्ट्रॉन पे टाइम पीरियड टी तो टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस टू पाई आर और मल्टीप्लाइड वे वेलोसिटी भी तो ये आ जाएगा क्यू भी अपॉन टू पाई आर दैट इज करेंट तो ये क्योंकि मैंने मुझे करेंट जो है वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में चाहिए इसलिए इसको ऐसे लिख लिया अब इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू पाई कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई करेंट की वैल्यू क्यू वेलोसिटी वी और टू पाई कैपिटल आर तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्रोपोर्सलिटी में देखोगे तो वी वाई बी अंडर रूट आ जाएगा यहाँ से आर कैलकुलेट कर लो और हमें प्रोपोर्सलिटी पर्परस, में चाहिए तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू वी बाई बी अंडर रूट दैट इज़ सी ऑप्शन सही है